नमस्कार दोस्तों, एनके नौकरी करियर में स्वागत है। दोस्तों आज 8 अप्रैल है। दोस्तों आज 12:30 बजे तक आरआरसी ग्रुप डी में जितने भी फॉर्म भरे जा चुके हैं उसका मैं सारा डाटा बताने वाला हूं। दोस्तों ये बिल्कुल भी फेक नहीं होगा, दोस्तों बिल्कुल सही डाटा है। दोस्तों यहाँ पे यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वीडियो बन रहे हैं जिसमें फेक डाटा भी बताया जा रहा है। दोस्तों 12:30 बजे का डाटा है। दोस्तों मैं कल भी रजिस्ट्रेशन किया था। दोस्तों मैं नॉर्थन दिल्ली का कल रजिस्ट्रेशन किया था, नॉर्थन रेलवे का, तो वहाँ पे लगभग 11,09,445 फॉर्म फिलअप किए जा चुके थे। यहाँ पे 3 डिजिट छोड़ के देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 127 को छोड़ के देख सकते हैं, तो यहाँ पे इतना रजिस्ट्रेशन हुआ था 11,09,445। और आज जो रजिस्ट्रेशन हुआ उसका भी बता रहा हूँ दोस्तों, स्क्रीनशॉट आया था, यहाँ 11,31,654 रजिस्ट्रेशन हुआ है। और यूट्यूब में बहुत सारे फेक वीडियो बन रहे हैं, मैं एक यूट्यूब वीडियो देखा था 30 सेकंड तक, वहाँ 11,75,000 बता रहे, तो एक दिन में इतना थोड़ी बढ़ जाएगा। और यहाँ पे कंपटीशन देख सकते हैं, कल 84 था और आज फाइट हो रहा है 86 का यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ पे ईस्टर्न रेलवे का देख सकते हैं, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में टोटल फॉर्म 7,02,345 भरे जा चुके हैं, टोटल पोस्ट 10,883 और 64 फाइट होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं सारा करेक्ट है। यहाँ पे सेंट्रल रेलवे मुंबई में टोटल फॉर्म 5,21,678 भरे जा चुके हैं, टोटल पोस्ट 9,348 है और यहाँ पे एक सीट पे 55 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट देख सकते हैं दोस्तों, सौतन रेलवे चेन्नई, यहाँ टोटल फॉर्म 6,30,765 भरे जा चुके हैं, टोटल पोस्ट 9,529 है, यहाँ पे फाइट 66 होने वाले हैं। दोस्तों सबका स्क्रीनशॉट अभी का है दोस्तों, 12:30 बजे के लगभग है, कोई 11 बजे कोई 12 बजे का है, तो थोड़ा डाटा आगे पीछे हो सकता है। यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे अहमदाबाद और मुंबई के देख सकते हैं, टोटल फॉर्म 5,80,987 भरे जा चुके हैं, यहाँ एक सीट पे 54 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं और टोटल पोस्ट 10,734 है यहाँ पे। और आगे देख सकते हैं साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद, टोटल फॉर्म 6,50,123 भरे जा चुके हैं, टोटल पोस्ट 9,328 है और एक सीट पे 69 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं साउथ वेस्टर्न रेलवे जो हुबली में आता है, यहाँ टोटल फॉर्म 3,81,678 भरे जा चुके हैं, टोटल पोस्ट 7,164 है और एक सीट पे 53 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। आगे देख सकते हैं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर, यहाँ टोटल फॉर्म 6,23,456 भरे जा चुके हैं, टोटल पोस्ट 5,249 है और एक सीट पे 118 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। और किसी वीडियो में तो आपको एक सीट पे 121-22 मिल जाएगा, इतना ज़्यादा बता देंगे। साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता और रांची में टोटल फॉर्म 2,69,876 भरे जा चुके हैं, टोटल पोस्ट 4,914 है, एक सीट पे 54 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। उसके बाद देख सकते हैं नॉर्थ सेंट्रल रेलवे अलाहाबाद, यहाँ टोटल फॉर्म 5,81,987 भरे जा चुके हैं, टोटल पोस्ट 4,730 है और एक सीट पे 123 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। आगे देख सकते हैं वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर, यहाँ टोटल फॉर्म 3,58,761 भरे जा चुके हैं, टोटल पोस्ट 4,019 है और एक सीट पे 89 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। आगे देख सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर, यहाँ टोटल फॉर्म 3,87,546 भरे जा चुके हैं और टोटल पोस्ट 4,002 है और यहाँ पे एक सीट पे होता है 96 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। उसके बाद ईस्ट सेंट्रल रेलवे झाजीपुर का देख सकते हैं, टोटल फॉर्म 3,55,675 भरे जा चुके हैं, टोटल पोस्ट 3,563 है और एक सीट पे 99 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। और नेक्स्ट देख सकते हैं नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी का, टोटल फॉर्म यहाँ 2,28,765 भरे जा चुके हैं, टोटल पोस्ट 2,894 हैं और एक सीट पे 79 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। आगे देख सकते हैं ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर, यहाँ टोटल फॉर्म 2,20,786 भरे जा चुके हैं अभी तक, टोटल पोस्ट यहाँ 2,555 है और एक सीट पे 86 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। आगे देख सकते हैं यहाँ साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर, यहाँ पे टोटल फॉर्म 1,87,654 भरे जा चुके हैं, यहाँ टोटल पोस्ट 1,664 है और यहाँ पे एक सीट पे 112 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। आगे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आगे खत्म हो गया है यहाँ पे दोस्तों अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं आज तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा दोस्तों।
कल का भी वीडियो आप देख सकते हैं दोस्तों, कल का भी वीडियो मैं बनाया है, तो कंपैरिजन कर सकते हैं दोनों वीडियो का कि कितना फॉर्म भरा जा चुका है अभी तक दोस्तों। और यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे फेक वीडियो बन रहे हैं जहाँ पे आपको यहाँ 2-3 हज़ार एक दिन में बढ़ रहे हैं, तो आपको 20-25 हज़ार एक दिन में बढ़ा के आपको बता दे रहे हैं इस तरह से, तो बिल्कुल भी फेक रजिस्ट्रेशन के चक्कर में ना रहे दोस्तों। और समय ज़्यादा नहीं है दोस्तों, आज ही फॉर्म फिलअप कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि लास्ट टाइम में आपको पेमेंट करने में भी दिक्कत होगा दोस्तों, और जल्दी से आप भर भी नहीं पाइएगा, वेबसाइट क्रैश होने के चांसेस बन सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कल आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो कल भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए दोस्तों, इससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों।